गुड। तो हॉरिजॉन्टल फाइलिंग के क्या क्या फायदे और नुकसान हैं ये हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आर्च फाइल और फ्लैट फाइल डिस्कस किया था, दैट व्हाट इज देयर इन द हॉरिजॉन्टल फाइलिंग। एग्जांपल आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जो फ्लैट फाइल होती है वो कैसी होती है। द हॉरिजॉन्टल फाइलिंग इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू ऑपरेट। कोई बहुत टेक्निकल तरीका नहीं है, कोई चाबियां नहीं लगी हुई है, कोई बहुत स्पेसिफिक तरीके से ऑपरेट करना है, नो। जस्ट यू हैव टू पंच एंड प्लेस दी पेपर्स इन एनी काइंड ऑफ ऑर्डर, वेदर इट इज क्रोनोलॉजिकल, वेदर इज अल्फाबेटिकल, राइट, एज पर योर नीड, एज पर योर यू नो रिक्वायरमेंट। आप उसको डेट के हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, डेज के हिसाब से उसको फाइल कर सकते हैं, राइट। आसानी से इसको आप लोकेट कर सकते हैं, किसी भी अलमारी में रख सकते हैं, टेबल पर रख सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। और दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम डस्ट, फायर एंड वॉटर। फायर में भी ये है कि ज्यादा तेज फायर में जो है ये फाइल जल जाएगी, सो इट इज नॉट वेरी यू नो फायर प्रोटेक्टिव, बट डेफिनेटली डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्टिव। तो कुछ हद तक कवरेज होता है इसमें, तो डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्टिव होती है। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल फाइलिंग? वन, दैट द फाइल्स आर केप्ट ऑन वन ओवर अनदर, सो दे आर डिफिकल्ट टू लोकेट। एक्चुअली अगर आपके पास ज्यादा पेपर वर्क है, ज्यादा फाइल्स जमा हो जाती है एक के ऊपर एक, तो फिर आपको जो है टाइम लगेगा ढूंढने में। आपको जो पेपर चाहिए, पहले आप वो फाइल ढूंढेंगे, उस साल की फाइल ढूंढेंगे या उस इंसिडेंट की फाइल ढूंढेंगे, फिर उस पेपर को उसमें से निकालेंगे। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू सर्च दैट पर्टिकुलर पेपर, तो टाइम कंज्यूमिंग है ये। दूसरा, पेपर लगाना और निकालने में टाइम लगता है, तो उसमें कई बार पेपर फट जाता है, कई बार इनइफेक्टिवली पेपर आप लगाते हैं, पंचिंग गलत कर देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा लगा देते हैं, पेपर बाहर आ जाता है फाइल में से, कई चीजें हो सकती है। इट हैज लेस एक्सपेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सपैंड करते वक्त जो है फिर आपको बहुत सारा स्पेस ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारी अलमारी देखनी पड़ेगी, बहुत सारी और चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो फाइलें बढ़ती चली जाएंगी, तो वेट बढ़ जाएगा, स्पेस कवर हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हॉरिजॉन्टल फाइलिंग के वक्त हम लोगों को ध्यान रखनी होती है। तो ये डिसएडवांटेजेस भी जो है हॉरिजॉन्टल फाइलिंग के हमारे पास। अब कम्स द वर्टिकल फाइलिंग। What are the vertical filing systems and how effective they are? तो ये काफी पॉपुलर है इन मॉडर्न ऑफिस। इसको क्या है, आप हॉरिजॉन्टल फ्लैट रखने की बजाय जो है इसको आप हैंगिंग पोजिशन में या स्ट्रेट पोजिशन में रख सकते हैं, तो आपको दूर से विजिबिलिटी रहेगी कि फाइल क्या है, कहाँ रखी है, उसके जो कॉर्नर्स हैं वो विजिबल होते हैं, उसमें अल्फाबेट्स लिखे हैं या उस फाइल का नाम लिखा है, वो दूर से विजिबल होती है। हॉरिजॉन्टल फाइल्स रखी होती है तो आपको उठा उठा के देखना पड़ता है कि वो फाइल कौन सी, राइट। तो ये काफी पॉपुलर मेथड है कंपेयर्ड टू हॉरिजॉन्टल फाइलिंग सिस्टम। तो इसमें पंचिंग की भी जरूरत नहीं होती है, इसमें क्लिपिंग होती है, तो क्लिप पे आप लगा करके उसको छोड़ दीजिए तो अपना आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है फोल्डर्स। तो ये स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड के या प्लास्टिक के फोल्डर्स होते हैं, और इनका फ्रंट पार्ट जो है वो बैक पार्ट से थोड़ा, बैक पार्ट जो है फ्रंट पार्ट से थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है, उस पे प्रिंटेड होता है कि कौन सा, उस पे एक पेपर लगा हुआ होता है या एक आइडेंटिफायर लगा हुआ होता है जिसको आप उसमें लिख सकते हैं व्हाट आइडेंटिफायर यू वांट टू प्लेस, और उसके बाद आप उसको कैबिनेट में या किसी दूसरी जगह पर इस तरह से लगा सकते हैं कि वो आपको एक्सटर्नली विजिबल हो, कैबिनेट खोलते ही विजिबल हो, या कैबिनेट ओपन होती है, ओपन कैबिनेट के अंदर भी वो वर्टिकल पोजिशन में लगे हुए होते हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो देखिए, अगर आप फोल्डर्स देखेंगे तो मैंने दो एग्जांपल्स फोल्डर्स के दे रखे हैं, और उसके बाद कैबिनेट एंड ड्रॉअर। देन फॉर दीज फोल्डर्स यू नीड कैबिनेट एंड ड्रॉअर्स एज वेल, ओपन और क्लोज कैबिनेट्स और ड्रॉअर्स, क्योंकि आप उनको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। अगर आप इन फाइल्स को ऐसे ही रख देंगे तो ये वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल फाइलिंग हो जाएगी। ये फाइल्स के लिए कैबिनेट्स और ड्रॉअर्स आती है जिसके अंदर वो प्रॉपरली हैंग हो जाते हैं या प्रॉपरली प्लेस हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और जगह भी बहुत कम घेरते हैं, और ज्यादा पेजेस भी इसके अंदर आ जाते हैं, 50-200 200 पेजेस इसके अंदर आ जाते हैं। तो फोल्डर्स आर केप्ट वर्टिकली इनसाइड दीज ड्रॉर्स एंड कैबिनेट्स, और कितना पेपर है उसके अंदर डिपेंड करता है कि लगभग 5000 पेपर्स कैरी कर सकता है एक ड्रॉर। तो डिपेंडिंग ऑन ईच फोल्डर उसके अंदर आप नंबर ऑफ फोल्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं। तो आप ड्रॉर भी देख सकते हैं, एक सैंपल जो है मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। ये वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम में इस तरीके से फायदा होता है। गाइड कार्ड्स, बहुत सारे वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम ऐसे आते हैं जिसके अंदर गाइड कार्ड्स लगे हुए होते हैं। फाइल तो है ही,
ड्रॉर भी है आपके पास, उस फाइल में गाइड कार्ड्स लगे हुए होते हैं। देखिए आप जो फाइलिंग सिस्टम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऊपर देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड करके गाइड कार्ड्स लगे हुए हैं ध्यान से। तो ये गाइड कार्ड्स जो है ये आपको गाइड करते हैं कि कौन सा फोल्डर कहां पर रखा है और आपको कैसे उठाना है। तो ये खोलते ही आपको पता चल जाएगा कि एस नाम के कस्टमर्स की फाइल यहां पर, जे नाम के कस्टमर्स की फाइल यहां पर है, इस तरह से आपको गाइड करते हैं। तो ये एक और वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम है जो आपको बहुत हेल्पफुल होता है ड्रॉर के अंदर या कैबिनेट के अंदर सामान ढूंढने। तो गाइड कार्ड्स के या वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम के जो जनरल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो ये कि एडवांटेजेस बहुत आसान है फाइल करना डॉक्यूमेंट्स को, इकोनॉमिकल, बहुत महंगा नहीं है, ना ड्रॉर्स महंगी आती हैं आजकल, ना फोल्डर्स महंगे आते हैं, ना गाइड कार्ड्स वाले ड्रॉर्स महंगे आते हैं, फ्लेक्सिबल है, आप इनको छोटा या बड़ा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर यूज। वाली ड्रॉर खरीद लीजिए जब आपके पास 1000 पेपर्स हो, 5000 तक एक्सपेंड करते करते आप आसानी से काम कर सकते हैं, राइट। इट प्रूव्स सेफ्टी टू द डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो आप ये भी देखिए कि क्योंकि ड्रॉर है तो कवर्ड है, तो फायर से भी बचने के चांसेस हैं इसमें, डस्ट और वाटर से तो बचना ही है। इट मेंटेन सीक्रेसी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ड्रॉर्स यूजुअली बंद होती हैं तो आप उसको लॉक भी कर सकते हैं, की भी लगवा सकते हैं उसके अंदर, वो सीक्रेसी भी उसकी मेंटेन होती है। वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये कॉस्टली होती है कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल फाइलिंग, क्योंकि इसमें आपको फोल्डर्स भी चाहिए, ड्रॉर भी चाहिए, तो ये दो तीन चीजें मिलाकर के एक लॉक एंड की भी चाहिए, तो थोड़ा महंगा हो जाता है कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल फाइलिंग। देर आर मोर चांसेस ऑफ वेयरिंग एंड टीयरिंग ऑफ लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ज्यादा चांसेस वेयर एंड टीयर के लेटर्स के डॉक्यूमेंट्स के इसलिए भी है कि जितनी बार आप उसको एक्सेस करेंगे, बाहर निकालेंगे, ड्रॉर खोलेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, फिर वापस रखेंगे, तो उसमें फोल्डर के भी डैमेज होने के चांसेस हैं, लेटर्स के भी डैमेज होने के चांसेस हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप बार बार हर लेटर को नहीं निकालेंगे, तो काफी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी रहती है वेयर एंड टियर की वजह। देर आर चांसेस ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ फाइल्स, ये एक काफी बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि कई बार आप गलत जगह पेपर या फाइल को गलत जगह फाइल कर देते हैं, जिससे आपको पता लगा आपको जे कस्टमर की फाइल है आपने एम में रख दी, अब वो ढूंढ रहे हैं, अब वो आपको ए से पूरा ढूंढना पड़ेगा, जब तक आप एम तक नहीं पहुंचे आपको कस्टमर की फाइल नहीं मिलेगी। तो ये चांसेस भी होते हैं कि अगर आपने गलती से किसी गलत इससे बात करते हुए फाइलिंग कर दी तो वो गलत फोल्डर में चला गया और फिर आपको दिक्कत। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम के हैं जो मॉडर्न ऑफिस के अंदर बहुत पॉपुलरली यूज होते हैं। अब जो लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि वॉट आर द इम्प्रूव्ड मॉडर्न ऑफिस फॉर्मेट्स ऑफ फाइल, तो अब हम उसके ऊपर आ गए हैं जहां पर हार्ड कॉपी फॉर्मेट्स यूज होते हैं, वहां पर सस्पेंशन फाइलिंग यूज होती है, सस्पेंशन फाइलिंग एंड इंप्रूव्ड फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल फाइलिंग। इन दिस फाइलिंग द ड्रॉअर कंटेनिंग डॉक्यूमेंट्स आर फिटेड इन मेटल फ्रेम्स इन विच फोल्डर्स आर प्री फिटेड विद हिंजेस एंड हुक्स टू एक्सपैंड द फाइल। देखिए आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन है कि फोल्डर अलमारी के अंदर पहले से लगा हुआ है, और वो जैसे आप लोग कई बार देखते हैं कई जगहों पर ड्रॉर्स होती हैं जिनको आप बाहर पुल कर लेते हैं, राइट। और जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो घर में बर्तन रखने का स्टैंड होता है उसके अंदर प्लेट्स के लिए अलग अलग खांचे बने हुए होते हैं, जिसको आप सेपरेटर्स या सेक्टोरल सेपरेशन बोलते हैं, तो वो जो अलग अलग वर्टिकल साइलोज होते हैं उनके अंदर फोल्डर्स बने हुए होते हैं, और वो फोल्डर्स स्प्रिंग्स से और हुक से अटैच्ड होते हैं, वो एक्सपेंडेबल होते हैं। एक्सपेंडेबल का मतलब आप एक फाइल रखना चाहे एक फाइल रखिए, 10 फाइल रखना चाहे 10 रख लीजिए, अगर वो 10 से बड़ा करना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा खींच दीजिए वो और बड़ा हो जाएगा, उसमें 20 आ जाएंगे। तो ये एक वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम है जिसमें फोल्डर्स अंदर लगे हुए हैं, इसमें गाइड कार्ड भी लगे हुए आते हैं, आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। ये कंपनीज जो इस तरीके की सस्पेंशन फाइलिंग कैबिनेट्स बनाती है वो आप जो चीज बोलेंगे वो वैसा बना करके आपको दे देंगे, और ये बहुत महंगा नहीं है कंपेयर टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फाइलिंग। हॉरिजॉन्टल में क्या है, आपको फाइल अलग खरीद के लानी पड़ेगी, कैबिनेट अलग खरीद के लाना पड़ेगा। वर्टिकल फाइलिंग के अंदर भी आपको दो अलग अलग चीजें रखनी पड़ेंगी, इसके अंदर तीनों चीजें कंबाइंड है, सस्पेंशन भी है, छोटा और बड़ा कर सकते हैं आप, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, 5000 की अलमारी बना सकते हैं, 10000 की अलमारी बना सकते हैं, वो सेम कैपेसिटी आपको उतने ही दाम में दे देगा, कह देगा कि साहब आप 10000 की अलमारी खरीद लीजिए, आपको भले ही 2000 फाइल रखनी है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन देखिए इनका सस्पेंशन का, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ऊपर भी और नीचे भी देखिए आपको बड़ा साफ दिखेगा, और ये दोनों तरह से खुल करके बाहर आ जाता है, सामने से भी खुल करके बाहर आ जाता है और साइड से भी खुल करके अलमारी बाहर आ जाती है।
तो इस तरह से आपको सारी फाइल्स भी क्लियरली दिखेंगी, गाइडेंस भी क्लियरली मिलेगी, और आप जितनी एक्सपेंशन चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, वो भी मिलेगी। द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट इट बिकम्स एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको एक साथ कस्टमाइज तरीके से चीज बना करके आपको दी जाती है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडर्न ऑफिस वर्जन फॉर पेपर वर्क। जब हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्मेट्स या आपको कुछ पेपर्स प्रिंट करने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे हम लोग भी हैं, हमारे भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हार्ड कॉपीज में हमको मिलते हैं, हमारी 9th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, आगे चल करके ग्रेजुएशन एंड सो ऑन, तो इनको सबको हम कहीं ना कहीं एक फाइल में रखते हैं। अगर आपने नोटिस किया, यू आर डूइंग एट होम, यू हैव 50 सर्टिफिकेट्स, तो आपने एक छोटी फाइल 100 पेजेस की बना ली और उसको एक अलमारी के अंदर रख दिया, या किसी बैग के अंदर रख दिया, या कहीं पर रख दिया। अगर आपके पास 10,000 सर्टिफिकेट्स होंगे तो देन प्रोबेबली यू विल हैव टू बाय एन अलमीरा लाइक दिस एंड कीप इट। लोगों के घरों में आप देखिए जो बुक्स वगैरह होती है उसकी प्रॉपर शेल्फ होती है, तो उसको आप फाइलिंग बोलते हैं। तो उसमें जिस तरीके की फाइलिंग वो यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। लेटरल फाइलिंग, नाउ दिस इज वन मोर इम्प्रूव्ड फॉर्मेट ऑफ सस्पेंशन फाइलिंग। लेटरल फाइलिंग के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आप जो है एक ही डायरेक्शन में सारी फाइल्स को रखें। अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन देखेंगे, इसमें ऊपर देखिए आप सारी वर्टिकल 90 डिग्रीज पे रखी है फाइल्स, नीचे आप देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर फाइल्स रखी हैं, सारी की सारी उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में ही, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर फाइल्स रखी है। एक फाइल ऐसे रखी है, दूसरी फाइल जो है उसके परपेंडिकुलर ऐसे रखी है। सो दिस इज वन मोर एडवांटेज ऑफ लैटरल फाइलिंग सिस्टम इन विच यू कैन हैव, सो इफ यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी जितनी, लेकिन एक लिमिटेड कैपेसिटी की ड्रॉ है आपके पास कि इतनी फाइल्स आप इसके अंदर रख सकते हैं इन बोथ डायरेक्शंस। तो आप जो ज्यादा यूज करते हैं उसको कॉर्नर में रख लीजिए, जिसको कम यूज करते हैं उसको एक साथ रख दीजिए। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, राइट। इसमें भी हिंजेस एंड हुक्स का यूज होता है, जिससे आप शेल्फ को बेटर तरीके से ऑपरेट कर सकें, मल्टीपल टाइम्स ऑपरेट कर सकें, बार बार खींचे तो वो हिंजन हुक खराब ना हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं जो ये यूज करते हैं, तो ये भी एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है, ज्यादा ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन की यूज होती है जहां पर ज्यादा पेपर वर्क जो है इस्तेमाल होता है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ह्यूज। और ये भी जो है बड़ी आसानी से आपको फाइल्स एंड फोल्डर्स मिल जाते हैं, और स्पेस भी देखिए केवल एक कॉर्नर आपका यूज होगा, उसके बाद आपका स्पेस यूज नहीं होगा। एंड दिस कैन ऑल्सो भी यूज एज अ टेबल, आप इस पर कंप्यूटर रख के काम भी कर सकते हैं, दिस कैन बी यूज्ड एट होम, कई लोगों के घरों में ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो ये चीजें जो है ये इंप्रूव्ड वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम है, विच इज कॉल्ड लैटरल फाइलिंग। नाउ देयर इज फॉर्मेट विच इज कॉल्ड ओपन शेल्फ। ओपन शेल्फ में देखिए, जैसे आपने कई जगह पे देखा लॉक था, ड्रॉर थी, इसमें कुछ नहीं है, ये ओपन है। इसमें मल्टीपल, जैसे पिजन होल फाइलिंग सिस्टम था, बस उसके अंदर फर्क ये था कि वो ट्रेडिशनल फाइलिंग सिस्टम है, इसके अंदर आप वर्टिकली फाइल्स रख सकते हैं, बाहर आप लीजिए कि किसकी कैबिनेट है, वो अपना क्या क्या चीज की चीजें यहाँ पर रखनी है, वो फाइल्स आप ला करके ओपन शेल्फ के अंदर फाइल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये थोड़ा कम महंगा है, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत आसानी से बन जाता है, क्वालिटी बहुत है, आप गाइड कार्ड्स लगा सकते हैं, इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, अपनी तरफ से खुद ओपन होती हैं शेल्फ्स, और इसमें आसानी से पेपर रखा जाता है, बहुत इजीली लोकेट हो जाती है, बहुत एडवांटेजेस है। द बिगेस्ट डिसएडवांटेज सीक्रेसी और सेफ्टी नहीं है, फाइल गिर गई नीचे, गलती से किसी का कुछ चाय गिर गई, किसी का कुछ फैल गया, धक्का लग गया, अलमारी गिर गई, अनऑर्गेनाइज हो जाएगा सब कुछ। और सीक्रेसी नहीं है, आप इसके अंदर सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल फाइल्स नहीं रख सकते, तो ये एक और इम्पोर्टेंट। या फिर आपको वो जो वर्क एरिया है जहां पर ये अलमारी लगी हुई है, जो शेल्फ है, उस एरिया को सिक्योर करना पड़ेगा कि कोई और आदमी उसके अंदर एक्सेस नहीं ले सकता, एक्सेप्ट फॉर द स्टाफ मेंबर्स हु आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस। तो ये एक जो है एक ओपन शेल्फ सिस्टम है। अगेन ये ओपन ओपन शेल्फ सिस्टम इज नॉट वेरी रिकमेंडेड फॉर स्मॉल ऑफिसेस, क्योंकि इसमें बड़े बड़ी अलमारियां होती हैं और काफी ज्यादा पेपर वर्क जहां पर होता है उसके लिए ये होता है, इसलिए भी रिकमेंडेड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग सिस्टम विच इज व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल फाइलिंग सिस्टम। वो क्या चीजें हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है व्हेन यू आर प्लानिंग अ फाइलिंग सिस्टम, इवन व्हेन यू ग्रो
you will go into graduation, you will go into post-graduation and research and so on. Whatever you will do in your professional life as well, you will have books, you will have files. छोटे लेवल पर ही सही, बट आपको भी एक अच्छा फाइलिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा. अब आप लोग सब अपने कंप्यूटर पर और अपने मोबाइल फोन्स पर आप देखते होंगे कि आपके पास काफी पेपर जमा हो गया होगा. फोटो खींच रहे हैं, असाइनमेंट की क्लिक कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उसको कहीं अपलोड कर रहे हैं. तो ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप क्या करते हैं कि वो आपका फाइलिंग सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर है. तो एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को फाइलिंग सिस्टम का दूंगा, विच विल बी योर प्रैक्टिकल असाइनमेंट. आप लोग सब लोग अपने फोन अपने कंप्यूटर्स पे स्क्रीनशॉट लेंगे. स्क्रीनशॉट सब एक दूसरे के साथ सीखिए कैसे लिया जाता है. आई होप एवरीबॉडी नोज कि कैसे आप लोगों ने अपने कॉमर्स के असाइनमेंट्स एक जगह पर सेव करके रखे होंगे. उसका स्क्रीनशॉट आप लोग सब लोग सबमिट करेंगे. मैं असाइनमेंट डालूंगा आज, उसको आप लोग सब लोग अपना स्क्रीनशॉट उस पर अपलोड करें गूगल क्लासरूम में कि आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स कैसे रखे हुए हैं, किस नाम से रखे हुए हैं, ये मैं देखना चाहता हूं. वट एवर इट इज, डोंट चेंज एनीथिंग. आई जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ यू हैव केप्ट इट. तो उस जगह की एक स्क्रीनशॉट लीजिए अपने मोबाइल फोन पर, उसको पिक्चर बनाकर अपलोड कर दीजिए यहाँ. एवरीबडी विल डू इट. जिसका कंप्यूटर में है वो कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट ले ले, एक दूसरे से सीख ले, समझ ले कि स्क्रीनशॉट्स कैसे. पर आपको कुछ लिखना नहीं है? नहीं, कुछ नहीं लिखना. आई जस्ट वॉन्ट टू सी अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कीप योर फाइल्स. आप अपनी फाइल्स को कैसे रखते हैं, मैं देखना चाहता हूँ. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है. राइट, अगर मैं आज आपको बोलूं कि मुझे अभी के अभी ईमेल करो आपका असाइनमेंट वन सेट वन का, तो कौन कितनी जल्दी दे सकता है, दैट शोज वेदर द फाइलिंग सिस्टम इज इफेक्टिव और नॉट. क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जब असाइनमेंट देता हूं देखता हूं, गलती नहीं निकाल रहा हूं, मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा हूं कि फाइलिंग सिस्टम कैसे आप सीख सकते हैं इस उम्र में. इट इज इंपॉर्टेंट. सारे डिजिटल फाइल्स हैं आपके पास. कई लोगों को मैं देखता हूं कि वो फाइल का नंबर होता है 2020-09-18-image-00067, ये नाम की फाइल आती है मेरे पास. अगर आप लोग जब फोटो खींचते हैं असाइनमेंट की, तो वहां पे केवल इतना लिख लें, कॉमर्स COM लिख लें, DHA1 सेट टू का S2 लिख लें या 2 लिख लें, इस तरह से एक छोटा सा फाइल का नाम लिखना है और उसको एक प्रॉपर अपने फोन में कहीं पर एक फोल्डर बना लें या एक जगह पर कहीं पर जहां पर पिक्चर्स भी आप खींचते हैं, सारी पिक्चर्स के साथ आप उसको रखेंगे तो भी आपको दिखेगा कि ये मेरी DHA की फाइल है. तो अगर आप कभी डिलीट करने बैठे, कोई डिलीट करने बैठा फैमिली के अंदर, पेरेंट्स डिलीट करने बैठे, तो दे वुड नो यार ये DHA है मेरे बेटे का या मेरी बेटी का, ये मेरे को डिलीट नहीं करना, आई कैन डिलीट अदर थिंग्स. दिस इज हाउ यू एक्चुअली सेव योर DHA. और उसका बैकअप कैसे लेते हैं हम? बैकअप का मतलब मान लीजिए कि आपको अब डिलीट करना है ये फोटो, यार इसी सेमेस्टर की है, कैसे डिलीट करूं, नहीं करनी. तो गूगल फोटोज करके एक एप्लीकेशन आती है, आप लोग गूगल में जाएंगे तो आपकी ईमेल के साथ, आपके ड्राइव के साथ, क्लासरूम के साथ, वो भी फ्री है. तो उसमें आप इस फोटो को ट्रांसफर करके डिलीट कर दीजिए, फोटोज में हमेशा रहेगा आपके पास. ये चीजें आपको ढूंढनी है. दिस इज व्हाट इज फाइलिंग सिस्टम. सर फोन से तो सब डिलीट कर देते हैं, पर सारे रिकॉर्ड तो कॉपी में रहता है ना सर, कॉमर्स की DHA कॉपी में, मतलब सारे फाइलिंग तो उसी में हो रही है. बिल्कुल, यस सर. दैट इज वन मोर बैकअप. दैट इज वन मोर, एंड दैट इज मोर रिलायबल एज अ बैकअप. दैट इज मोर रिलायबल. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ मुझे असाइनमेंट भेजो, तो आप कॉपी तो भेज नहीं सकते. आपके पास फोटो ऑलरेडी खींची हुई है, ठीक है ना, पहले से आपने खींच रखी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो फोटो कहाँ है और किस नाम से है. इस वजह से आपको वापस कॉपी खोलनी पड़ेगी, वो पेज खोलना पड़ेगा, फिर फोटो आप क्लिक करेंगे और फिर आप ईमेल करेंगे. अकाउंट स्टोरेज की वजह से तो खत्म हो जाती है. हाँ, तो स्टोरेज, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप दोबारा फोटो खींचेंगे तो एक और फोटो जाएगी स्टोरेज. आप समझ रहे मेरी बात को? तो पहले खींची थी पर वो तो डिलीट हो गई ना सर. मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जैसे सेट वन आप मान लीजिए सारा का सारा स्टोर कर लिया आपने, सेट वन खत्म हो गया आपका. अब आप क्या करेंगे सेट वन की फोटोज का?
डिलीट करेंगे उसको? यस सर। तो डिलीट करने से पहले उसको गूगल फोटोज में मूव कर लीजिए, उसके बाद आपके फोन में से डिलीट कर दीजिए। जो गूगल फोटोज है वो तो आपके गूगल ड्राइव का हिस्सा है ना बेटा, आपके फोन का हिस्सा नहीं है वो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। गूगल फोटोज आपकी फोन की मेमोरी नहीं खाएगा, गूगल की मेमोरी खाएगा। इट इज लिंक टू योर गूगल मेमोरी। और सेट टू जब खत्म हो जाए तो सेट टू की फोटोज आपने गूगल पे मूव कर दी, खत्म कर दिया। फायदा क्या है इसका, मैं ये बता देता हूँ। इसका फायदा ये है कि फ्यूचर में मैंने कहा कि भाई नंबर दिखाए, पता चला सेट वन की 12वें असाइनमेंट में नंबर 0 है। अब आप जाओगे, कॉपी खोलोगे, फिर से फोटो खींचोगे, फटाक से आप गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज से जा करके आपने क्लिक किया, शेयर किया और मेरे को भेज दिया, क्लासरूम में डाल दिया, दोबारा अपलोड हो जाएगी वो गूगल फोटोज से, क्लासरूम में अपने आप अपलोड हो जाती, कोई दिक्कत नहीं। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो आप बैकअप भी रख रहे हैं और बार बार फोटो खींचने की आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, और आपने किस नाम से उस फाइल को सेव कर रखा है ये भी आपको दिख रहा है। दिस इज व्हाट इज फाइलिंग सिस्टम, दिस इज व्हाट इज फाइलिंग सिस्टम। तो मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे अभी DHA 1 सेट 1 चाहिए, 95% ऑफ द क्लास विल क्लिक द फोटो ऑफ द कॉपी, nobody will look into the phone because they don't know where that has left. वो है भी कि नहीं, कि वो डिलीट कर दिया कि नहीं। मैं आपको जस्ट एक समझा रहा हूं एक सिस्टम। अभी आप 1 से 6 असाइनमेंट सब लोगों ने सबमिट किए हैं मुझे, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो आपके फोन में कहां है। तो द पॉइंट इज दैट डिलीटिंग द पर्टिकुलर फोटो इमीडिएटली इज नॉट द ऑप्शन, इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। यू शुड सेव इट समवेयर। वेयर शुड यू शुड सेव इट? यू शुड सेव इट ऑन गूगल फोटोज और मे बी ऑन योर गूगल ड्राइव। सबके पास गूगल ड्राइव होती है, 15 GB का डेटा हर जीमेल वाले के पास है, इतना तो कोई नहीं जमा हो जाएगा आपके पास जीबी का डेटा। तो 15 GB का डेटा है, एक सेमेस्टर तो बड़े आराम से चलेगा उसमें हर सब्जेक्ट का। एक सेमेस्टर के बाद आप डिलीट कर दीजिए उस डेटा को और नेक्स्ट सेमेस्टर में नया डेटा ले लीजिए। जब आपके मार्क्स वार्क्स सब हो जाए फाइनल, देन यू डिलीट दैट डेटा एंड मूव इट टू द न्यू सेमेस्टर। नोबडी आस्क्स यू टू कीप इट बिकॉज आपका डेटा मेरे पास है ऑलरेडी, व्हाई डू यू वांट टू डुप्लीकेट इट। बट आपके अपने फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए वो डेटा आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। ठीक है भाई? यस सर। नाउ द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ एन आइडियल फाइलिंग सिस्टम इज इट हैज टू बी सिंपल। ऐसा होना चाहिए कि वो यूजर को समझ में आए। द एम्प्लॉइज ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइल। इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब प्राइसिंग। फाइलिंग शुड बी चीप एंड विद इन द बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन कॉस्ट शुड ऑल्सो बी लो। पहली चीज कि वो आप ऐसा खरीद के लाए जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, बजट के अंदर हो ऑर्गेनाइजेशन के। दूसरा, उसको लगाना और उसको ऑपरेट करना भी सस्ता हो। ऐसा ना हो कि बात बात पर आपको जो है चाबी वाले को बुलाना पड़ता है। कंप्यूटराइज सिस्टम लगा दिया, किसी की चाबी खो गई ऑर्गेनाइजेशन में, अब बार बार वो आ रहा है, उसका पूरा लॉक खुलता है, बोलता है जी इसकी फीस 5,000। तो ये इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन कॉस्ट भी उसकी सस्ती होनी चाहिए, इतनी कम होनी चाहिए कि आपको लगभग न के बराबर कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी है। कॉम्पैक्टनेस, इट शुड बी कॉम्पैक्ट एंड शुड नॉट टेक अननेसेसरी स्पेस। ऐसा ना हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हिस्सा फाइलिंग के कैबिनेट्स में और ड्रॉर्स में चला जाए। राइट? एक्सेसिबिलिटी, फाइल्स एंड फोल्डर्स मस्ट बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर एंड मस्ट बी इजिली एक्सेसिबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ऐसी जगह पर फाइलिंग सिस्टम को सेटअप करें, ऐसा सेटअप करें कि वो आसानी से लोगों के बीच में हो, और पीपल शुड बी एबल टू एक्सेस द फाइल, द फोल्डर एंड द पेपर इजीली व्हेन दे नीड इट। ऐसा नहीं है केवल अलमारी के पास लगानी, बहुत है। सिस्टम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आपने, अंदर गाइड कार्ड है नहीं, फाइल्स लटकी हुई हैं, आप कैसे ढूंढोगे? ना नाम लिखा है ना कोई इंडिकेशन। तो ये सारी चीजें हो तो उसको एक्सेसिबल फाइलिंग सिस्टम कहा जाए। सूटेबल, जिस साइज का ऑर्गेनाइजेशन है, जिस टाइप का बिजनेस वो करते हैं, कितना पेपर कटिंग होती है, उतना ही आपको सूटेबल फाइलिंग सिस्टम रखना चाहिए। कम पेपर प्रिंटिंग होती है तो कम छोटा स्केल वाला फाइलिंग सिस्टम रखिए, ज्यादा पेपर प्रिंटिंग होती है, पेपर के बगैर काम नहीं हो सकता, देन यू नीड टू गो इनटू अ मोर सूटेबल फाइलिंग सिस्टम व्हिच इज बिगर, व्हिच कैन सर्व ऑल द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एट द सेम टाइम फाइलिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जिसको आप थोड़ा चेंज कर सको, बड़ा कर सको, यूज के हिसाब से बड़ा हो जाए। मान लीजिए बीच में एक सर्ज आया,
ज्यादा पेपर्स प्रिंट हुए 2-3 महीने तो वो सेम फाइलिंग सिस्टम यूज हो गया, उसके बाद वापस आपके लो पर आ गया। ऐसा हो जाता है कि फाइलिंग सिस्टम एकदम से यूसेज बढ़ जाता है फाइलिंग सिस्टम का कुछ महीने कंपनी के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना चाहिए कि फ्लेक्सिबल फाइलिंग सिस्टम हो, ऐसा ना हो कि फाइलें जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं सीटों के बगल में जमीन पर पड़ी है, टेबलों पर पड़ी है, ऐसा फाइलिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का जो लुक और फील होता है वही उस उसका जो इमेज सृष्टि गुड थैंक यू। सेफ्टी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरीके का फाइलिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे आपका डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन अननेसेसरी लोगों को ना मिले, दूसरा वाटर डस्ट फायर से उसको सेफ्टी मिले, कीड़े खा जाते हैं फाइलों को, यू शुड इंश्योर दैट यू नो इट इज डिसइंफेक्टेंट हैज बीन यूज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि आपका पेपर और फाइलिंग सिस्टम दोनों बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहे, ऐसे लोगों के हाथ में वो पेपर्स ना लगे, ऐसे लोगों को चाबी ना मिले, ऐसे लोगों की एक्सेसिबिलिटी में वो सिस्टम ना आए जिनको उन फाइल्स की जरूरत। तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी बनाए रखिए, उसकी इंटेग्रिटी, वो मान लीजिए वो इंपॉर्टेंट कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो चूहा घुस गया उसके अंदर, वो खा गया आधा कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या वैल्यू रह गई उस फाइल की? कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो सम लीगल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी बचाइए उसकी, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी बचाइए। इंडेक्सिंग, हर फाइलिंग सिस्टम के साथ जैसे मैंने गाइड कार्ड का एग्जाम्पल दिया था, एक प्रॉपर इंडेक्सिंग होनी चाहिए जो या तो कहीं से दूर से विजिबल हो, या बाहर आपने लगाई हुई हो, या कंप्यूटर में कोई सॉफ्ट कॉपी हो जो ये बताती हो कि इस अलमीरा में ये फाइल रखी है, इस अलमीरा में ये फाइल रखी है, इस अलमीरा में ये फाइल रखी है, ये फोल्डर्स में ये पेपर्स हैं, ये फोल्डर्स में ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऐसा एक प्रॉपर इंडेक्स बना होना चाहिए जो एक आदमी किसी भी शेल्फ अलमीरा या किसी भी फाइलिंग सिस्टम को खोलने से पहले उसे पढ़ के जाए और उस जगह को एग्जैक्टली खोल करके ओपन करे। अगर बहुत ज्यादा पेपर है और बहुत ज्यादा सिस्टम है आपके पास तो इस तरीके का एक इंडेक्सिंग सिस्टम होना चाहिए। तो इंडेक्सिंग सिस्टम जो है दैट इंडिकेट्स वेयर दैट पर्टिकुलर फाइल इज, दैट सेव्स योर टाइम, दैट सेव्स योर रिसोर्स, दैट सेव्स योर टाइम एंड एनर्जी। क्लासिफिकेशन, पेपर्स जो हैं, फाइल्स जो हैं वो प्रॉपरली क्लासिफाइड होना चाहिए, चाहे डेट के टाइम पर क्लासिफाइड हो, चाहे ईयर से क्लासिफाइड हो, चाहे टाइप ऑफ फाइल से क्लासिफाइड हो, चाहे वो कॉन्फिडेंशियलिटी के बेस पर फाइल्स हो, चाहे वो परचेज की अलग हो, सेल्स की अलग हो, स्टोर्स की अलग हो, डिपार्टमेंट वाइज फाइल्स हो, ये क्लासिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए और क्लासिफिकेशन फॉलो होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन फॉलो नहीं हो रहा, आपने क्लासिफिकेशन बना दिया, इंडेक्स बना दिया क्लासिफिकेशन के बेस पर, और फाइल्स आपने मार्केटिंग की सेल्स में, मार्केटिंग की एचआर में डाल दी, एचआर को उठाकर प्रोडक्शन में डाल दी, और अब आप ढूंढ रहे हैं कि मेरी फाइल्स कहां। That should be an ideal filing system in which you should have simplicity, economy, compactness, accessibility, suitability, flexibility, safety, index must be there, classified files would be there. Right? So, ye qualities of an ideal filing system. Anybody who has got a question on qualities of an ideal filing system? कोई क्वेश्चन? सबको वर्टिकल फाइलिंग सिस्टम और मॉडर्न फाइलिंग सिस्टम समझ में आ गया? यस सर। ओके, चलिए आज यहां पर फिनिश करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फोर्थ यूनिट।